सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार क्या हुआ, देवता लोग स्वर्ग में विराजमान है, इंद्रदेव अपने आसन में विराजमान है, देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति स्वर्ग में पहुंच गए। इंद्र बृहस्पति के शिष्य हैं, गुरुदेव आए लेकिन इंद्र जी ने सोचा सब लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं आसन से उठूंगा तो मेरा अपमान होगा। इंद्रदेव आसन में बैठे रहे, गुरु जी आ गए परंतु उठ करके स्वागत नहीं किया, बृहस्पति जी रूठ गए और वहां से चले गए। इंद्र जी को श्राप लग गया, अरे ये कैसा राजा है, स्वर्ग का राजा इंद्र को भी इतना घमंड, अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। श्राप दिया गया कि श्री क्षय हो जाए, लक्ष्मी जी छोड़ करके चली जाए। तब देवता लोग भगवान के पास में गए, भगवान के पास में गए और भगवान ने कहा आप लोग विश्व रूप को अपने गुरु जी बनाओ। विश्व रूप को अपने पुरोहित बनाया, तोष्टा के पुत्र विश्व रूप को। और उसके बाद विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को प्रदान किया। ये नारायण कवच जो है सबको रोज घर में पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद के अष्टम अध्याय नारायण कवच, ये कवच का रोज घर में पाठ करें। पाठ करने से आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगा। भगवान नारायण के कवच आपका रक्षा करेगा। इसलिए आज से ही घर में अपने बच्चों के मुख से पाठ करवाओ। अगर उच्चारण नहीं करना आता तो आप सीख लो। नारायण कवच का उपदेश विश्व रूप ने श्रवण कराया, ये वैष्णवी विद्या है। ओम हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मापतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासि गदे सुचाप पाशांदधानो मम सर्व रक्षा। हे नारायण भगवान, आप मेरे हर प्रकार से रक्षा करें। अपने रक्षा के लिए स्वयं को पाठ करना चाहिए। रोज आप लोग भी पाठ करें। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो आप ये कवच को धारण करें, पाठ करें। ये करने से कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। प्यार से बोल दीजिए।